वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अंजू मौर्य और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा। क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। और अभी जो टीजीटी बायोलॉजी 2021 का एग्जाम हुआ था 7 अगस्त को, उसमें भी इससे 2 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछे गए थे। तो आप जो है इस वक्त आपके पास जो है टाइम बहुत कम है, तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करिए। जैसे स्टीलर सिस्टम हो गया, इसके बाद वस्कुलर बंडल सिस्टम और एग हो गया, क्लीवेज हो गया, ठीक है ना, और क्या कहते हैं इसमें जो आप और भी प्लेसेंटा हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको कवर कराऊँगी। और मैं कल हो सकता है आपको एक नोटिफिकेशन जाए, कल रात में मैं 8 बजे लाइव आऊँगी जहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा एनिमल किंगडम ख़त्म करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट एनिमल किंगडम के लिए भी है, तो मैं वो चीज़ें कवर करूँगी कि आपका परसों या जो 17 को एग्ज़ाम है पीजीटी का, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो एनिमल किंगडम के हैं वो सॉल्व हो जाए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनिमल किंगडम के, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों के या नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेटा दोनों के, उसको मैं ऐड करूं और आप लोगों को एक बेटर जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो ये चलिए आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टीलर सिस्टम, तो उसको हम लोग ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट मैंने देखे कि मैम बोर्ड टीचिंग कराइए, हैंड राइटिंग, मतलब आप पहले से जो है, देखिए मैं ऐसा नहीं कि मेरे पास पहले से, मैंने कभी टीसी पीएसटी की तैयारी नहीं करी, मैं कभी भी ये टीचर वाले जो गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी में मेरा, मतलब मेरा हुआ भी था लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो अभी क्या है कि मैं इसलिए ये मेथड जो है अपनाई हूँ कि आपके पास टाइम कम है और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, इसलिए मैं पहले क्या करती हूँ, ढेर सारी बुक्स हैं उसको कलेक्ट करके उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसका एक नोट बना के फिर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आई डोंट हैव नोट्स जो है कि पहले से मेरे पास नोट नहीं है, ठीक है। अभी तो आज मैं थोड़ा सा इसका बोर्ड टीचिंग ही करा दे रही हूँ, स्टीलर सिस्टम देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखें यहाँ पे स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स, या इसको आप दूसरे टॉपिक दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट, ठीक है, या स्टीलर सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ स्टीलर सिस्टम। अब देखिए जो हमारा स्टीलर सिस्टम होता है वो दो तरीके के मेनली जो स्टील होते हैं, पहले हम स्टीलर सिस्टम नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, व्हाट इज द स्टील, स्टील क्या होता है, ठीक है। अगर एक टर्म आता है स्टील, मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्टील क्या होता है, इनर टू एंडोडर्मिस, मतलब जब आप किसी भी रूट स्टेम या लीफ का जब आप मतलब या रूट या स्टेम का जब सेक्शन देखते हो तो सबसे बाहर क्या होता है भाई, कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एपिडर्मिस होती है, ओके। उसके बाद क्या होता है, सबसे बाहर अगर हम बात करें एपिडर्मिस होती है, फिर क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में भी कई सारी लेयर्स होती हैं, जैसे हाइपोडर्मिस होती है, जनरल कॉर्टेक्स होता है, और उसकी अंदर के लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में ही 3 लेयर हो गई, हाइपो, ठीक है, जनरल कॉर्टेक्स और अंदर की लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ तक हमारा हो गया एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद क्या आता है, पेरीसाइकिल आता है, पेरीसाइकिल के अंदर क्या है, वस्कुलर बंडल होते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम होता है, बीच में क्या आता है, पिथ आता है, पिथ जानते हो ना, पिथ को ही क्या कहते हैं, मेड्यूला, मेड्यूला कहते हैं, ठीक है, और मेड्यूलरी रेज भी होते हैं या पिथ रेज होते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी है, इनर टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी है उसको हम स्टील कहते हैं। तो एंडोडर्मिस ये हो गया, एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी है वो स्टील होगा। तो एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, पेरिसाइकिल है, वस्कुलर बंडल है, मेड्यूला है, मेड्यूलरी रेज है, ये सब क्या है, एंडोडर्मिस के अंदर है। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इनर टू एंडोडर्मिस, इनर टू एंडोडर्मिस एवरीथिंग इज स्टील, ठीक है ना, एवरीथिंग इज स्टील, एवरीथिंग इज स्टील,
एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी है वो स्टील में आएगा। तो अब बताइए स्टील बराबर क्या हो गया। स्टील की सबसे पहली लेयर होती है पेरिसाइकिल। कभी कभी आपसे एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि विच इज द फर्स्ट लेयर ऑफ स्टील। तो स्टील की सबसे पहली लेयर क्या है, पेरिसाइकिल है। फिर दूसरी लेयर क्या होती है, इसमें वस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं। वस्कुलर बंडल में क्या क्या आ जाता है, जाइलम फ्लोएम आ जाता है। तीसरी चीज अगर पिथ प्रेजेंट है मतलब मेड्यूला, तो पिथ आ जाएगा। पिथ को ही हम क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। और पिथ रेज मतलब मेड्यूला से निकलने वाली जो पैरेन्काइमेटस रेज होती हैं उसको हम पिथ रेज या मेड्यूलरी रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेड्यूलरी रेज कहते हैं। तो एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी है उसको हम स्टील कहेंगे। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम आगे क्या देख लेते हैं। अगर हमारा ये अगली चीज हम देखेंगे कि स्टील का जो स्टीलर सिस्टम दिया था, स्टीलर सिस्टम थियरी जाए, स्टीलर थियरी दिया था जिसने, उनका नाम था टीघम, वॉन टीघम एंड डोलियट। ठीक है ना, वॉन टीघम एंड डोलियट, ये दो साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो स्टीलर सिस्टम में स्टील थियरी किसने दिया था, वॉन टीघम एंड डोलियट ने दिया था। अब एक और चीज जरा हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। स्टील दो तरीके के होते हैं स्टीलर सिस्टम में। देखिए जो स्टील होता है, या स्टीलर सिस्टम में हम कहेंगे जो स्टीलर सिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है। स्टीलर सिस्टम दो तरीके का होता है। पहला होता है प्रोटोस्टील, ठीक है, प्रोटोस्टील। दूसरा होता है साइफोनोस्टील। और एक और मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, मॉडिफाइड साइफोनोस्टील। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मॉडिफाइड साइफोनोस्टील। अब चलिए देखिए, मैं अपने सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूँ, कि कुछ बच्चों के कमेंट थे कि मैम थोड़ा स्लो पढ़ाइए। अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, आपके पास भी इतना वक्त नहीं है कि आप बहुत स्लो पढ़ें। ये एक रिवीजन टाइप से हो रहा है। अभी जो 25 से जो बैच स्टार्ट होने वाला है LT का, उसमें सारी चीज़ें स्लो ही पढ़ाई जाएंगी वो चीज़ें। और हाँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें, एकदम परफेक्ट जो प्रिपरेशन कहते हैं वैसे कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब आपको रैंडमली कहीं से भी कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं जो कल लाइव आऊँगी उसको आप लोग जरूर अटेंड करिएगा, आप अपना रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा अगर जाता है तो। कोशिश मेरी रहेगी उसमें, मैं पूरा का पूरा एनिमल किंगडम कराऊंगी, आप लोग देखिएगा, मजा आएगा उसमें। और सारे के सारे क्वेश्चन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं रखूँ वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो प्रोटोस्टील है, साइफोनोस्टील है और मॉडिफाइड, तो हम पहले देख लेते हैं कि ये प्रोटोस्टील क्या है। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का है, प्रिमिटिव समझ रहे हैं, सबसे पुराना, सबसे प्रिमिटिव टाइप का है। और सबसे खास बात इसकी यही होती है कि दिस इज नॉन मेड्यूलेटेड स्टील। नॉन मेड्यूलेटेड स्टील का मतलब ये होता है, नॉन मेड्यूलेटेड इसका मतलब यहाँ पे पिथ जो होता है या मेड्यूला एब्सेंट होता है। मेड्यूला क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ये जो साइफोनो स्टील है, या इसको हम लोग कहते हैं मेड्यूलेटेड स्टील। क्या कहते हैं, मेड्यूलेटेड स्टील, मतलब यहाँ पे जो है स्टील, यहाँ पे मेड्यूला या पिथ प्रेजेंट होता है। मेड्यूला क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पहले तो दो पॉइंट आपको यही समझ लेना है, हमने क्या बताया, ये सबसे प्रिमिटिव है ना, नॉन मेड्यूलेटेड, मेड्यूला एब्सेंट है, और यहाँ पे क्या है, ये मेड्यूला प्रेजेंट है। हम उसको बाद में बताएंगे, ओके। चलिए इसको देख लेते हैं, पहले हम लोग प्रोटोस्टील देख लेते हैं, फिर हम साइफोनोस्टील की तरफ चलेंगे और मॉडिफाइड। अच्छा देखिए, प्रोटोस्टील की सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पे जाइलम जो होता है, जाइलम ऑलवेज सेंटर में होता है, जाइलम सेंटर में होता है। एंड जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम सराउंड किए रहता है जाइलम को, फ्लोएम सराउंड्स जाइलम। तो जाइलम हमेशा कहाँ होता है, सेंटर में होगा, और फ्लोएम उसको सराउंड किए रहेगा। अब मैं इसके प्रोटोस्टील के टाइप आप लोगों को बता दे रही हूँ, प्रोटोस्टील का टाइप। तो देखिए, प्रोटोस्टील को ना हम ना चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, चार पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं प्रोटोस्टील को। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, आप लोग जरा ध्यान से देखना, और इंटरेस्टिंग है, प्रोटोस्टील का मतलब जिसमें मेड्यूला नहीं है, और साइफोनोस्टील का मतलब ऐसा स्टील जिसमें मेड्यूला है। और स्टील क्या है, एंडोडर्मिस के अंदर एवरीथिंग इज कॉल्ड एज स्टील, एंड विच इज द फर्स्ट लेयर ऑफ स्टील, दैट इज द पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल इज द फर्स्ट लेयर ऑफ स्टील, ओके, इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए,
पहला है हेप्लोस्टीन, क्या है? हेप्लोस्टीन, ठीक है। दूसरा है एक्टिनोस्टील, एक्टिनोस्टील। तीसरा है प्लेक्टोस्टील, प्लेक्टोस्टील। और लास्ट है मिक्स्ड प्रोटोस्टील, मिक्स्ड प्रोटोस्टील, मिक्स्ड प्रोटोस्टील। शायद विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी मुझे लग रहा है, चलो ठीक है। देखो हेप्लोस्टील भी सबसे प्रिमिटिव है, मतलब इसमें जो प्रोटोस्टील तो प्रिमिटिव है, उसमें भी सबसे प्रिमिटिव हेप्लोस्टील है, और ये मोस्टली फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स वगैरह में पाया जाता है। जैसे जैसे मैं पहले एग्जांपल ही लिख दे रही हूँ, जैसे राइनिया हो गया, ठीक है ना, राइनिया हो गया। अभी मैं आपको इसको याद करने का कोड भी बताऊंगी जो मैंने बनाया है, जैसे मैं याद करती हूँ। हॉर्नियोफाइटान हो गया, सिलेजिनेला हो गया, ठीक है, सिलेजिनेला हो गया। तो ये है इसके एग्जांपल, राइनिया, हॉर्नियोफाइटॉन और सिलेजिनेला। देख लेते हैं ये क्या कहता है भाई, ये किस तरीके का है। तो सिंपल सी बात है, हेप्लोस्टील में जाइलम जो होता है, मतलब मेड्यूला तो है नहीं यहाँ, पिथ तो नहीं है, मतलब स्टील में पिथ नहीं है, तो जाइलम जो होता है रिंग लाइक होता है। तो यहाँ पे देखो जाइलम जो है वो रिंग लाइक होता है, ठीक है, और फ्लोएम उसको सराउंड किए रहता है, फ्लोएम उसको सराउंड किए रहता है। तो ये हो गया इसका फ्लोएम, हो गया फ्लोएम, इसको क्या किया है, सराउंड किया है। तो सबसे कॉमन या सबसे प्रिमिटिव टाइप का है हेप्लोस्टील, जिसमें जाइलम रिंग लाइक होता है और फ्लोएम उसको सराउंड किए रहता है। चलिए एक्टिनोस्टील, अब मैंने इसका एग्जांपल तो बता दिया है, सबसे प्रिमिटिव आपको पता है राइनिया, हॉर्नियोफाइटॉन और सिलेजिनेला, इससे प्रिमिटिव कोई नहीं है। तो सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराना, सबसे पहले जो टेरिडोफाइटा थे, यही सब है। तो उसमें सबसे पहले हेप्लोस्टील में यही आएगा, ठीक है। चलो एक्टिनोस्टील क्या होगा इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। एक्टिनोस्टील में जाइलम जो होता है वो स्टार शेप होता है, समझ लेना, जाइलम कैसा होता है, स्टार शेप होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जाइलम स्टार शेप है और फ्लोएम उसको सराउंड किया रहता है, फ्लोएम सराउंड्स जाइलम, फ्लोएम सराउंड्स जाइलम। एक एकदम खूबी है इस चीज की, इस प्रोटोस्टील की, हमेशा जाइलम अंदर रहेगा, फ्लोएम बाहर रहेगा, ठीक है ना। जाइलम हमेशा अंदर रहेगा और फ्लोएम कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। तो चलो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। तो अब एक चीज तो ये है कि देखो जाइलम अंदर है, जाइलम कैसा होता है, स्टार शेप, स्टार मुझे बनाने आएगा कि नहीं आएगा, हाँ एक बार देख लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, अरे वाह बन रहा है, जाइलम स्टार शेप है, ठीक है। ये जाइलम कैसा है, स्टार शेप है, फ्लोएम उसको क्या करेगा, सराउंड करते रहेगा, फ्लोएम उसको सराउंड किया, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा और उसको सराउंड किया रहेगा। तो ये हो गया फ्लोएम। अच्छा इसके एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लाइकोपोडियम, लेकिन पता है आपको लाइकोपोडियम की, ऐसे लाइकोपोडियम की स्पीसीज में अलग अलग टाइप के प्रोटोस्टील होते हैं, कुछ में एक्टिनोस्टील होता है, कुछ में प्लेक्टो होता है, कुछ में मिक्स्ड होता है। तो ये सवाल पूछा जाता है, और प्लीज बी अटेंटिव, जितना मैं बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए देखिए, लाइकोपोडियम जो है ना, लाइकोपोडियम यहाँ पे होता है सीरेटम, लाइकोपोडियम सीरेटम, ठीक है, लाइकोपोडियम सीरेटम, ओके, इतना याद रख लेना आप, लाइकोपोडियम सीरेटम। तो अब इसका, इसको आप कैसे याद रखोगे, अभी मैं इसका कोड भी बताऊंगी आपको। चलो प्लेक्टोस्टील देख लेते हैं, प्लेक्टोस्टील में क्या होता है, जाइलम प्लेट लाइक होता है, जाइलम कैसा होता है, प्लेट लाइक होता है। अब जाइलम अंदर होगा, फ्लोएम बाहर होगा, तो देख लेते हैं हम लोग, जाइलम ऐसे ऐसे प्लेट लाइक होगा, तो ये हो गया जाइलम, और फ्लोएम इसको क्या किया रहेगा, फ्लोएम इसको सराउंड किए रहता है, इस तरीके से फ्लोएम इसको सराउंड किए रहता है, तो इसको हम कहते हैं प्लेक्टोस्टील। तो ये फ्लोएम हो गया, तो जाइलम जो होगा वो प्लेट लाइक होगा और फ्लोएम उसको सराउंड किए रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लेक्टोस्टील। और इसका एग्जांपल हम लिख रहे हैं लाइकोपोडियम क्लेवेटम, ठीक है, देखो फिर यहाँ लाइकोपोडियम आ गया, और लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल, लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल। चलिए मिक्स्ड में देखते हैं क्या होता है। देखो जाइलम जो होता है यहाँ पे, जाइलम होता है वो स्कैटर्ड होता है, कैसा होता है, स्कैटर्ड, बिखरा हुआ होता है, जाइलम कैसा होता है, स्कैटर्ड होता है। तो देखो जैसे यहाँ पे ही हो गया, स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ, तो जाइलम ऐसे बिखरा हुआ होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, जाइलम ऐसे बिखरा हुआ होता है और फ्लोएम इसको सराउंड किए रहता है, फ्लोएम इसको सराउंड किए रहता है। तो यहाँ पे देख लेना, फ्लोएम इसको ऐसे घेरे रहता है,
तो जाइलम मिक्स्ड का मतलब जाइलम कैसा रहता है, स्कैटर्ड होता है और फ्लोएम उसको सराउंड किए रहता है। तो ये फ्लोएम हो गया, बीच वाला जाइलम हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ भी लाइकोपोडियम आएगा, लाइकोपोडियम सरनम। लाइकोपोडियम सरनम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइकोपोडियम सरनम देख लेना एक बार इसको। तो ये चार पहले कैसे याद रखेंगे हम लोग, चार कैसे याद रखेंगे, तो देखो हैप्लो रिंग लाइक जाइलम, एक्टिनो स्टार शेप जाइलम, ठीक है ना, प्लेक्टो प्लेट लाइक जाइलम, और मिक्स्ड जाइलम इन मतलब स्कैटर्ड जाइलम। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ रही है। अब इसको देखो, ये तो पहले तुम ऐसे याद रखना, सबसे प्रिमिटिव मतलब राइनिया हॉर्नियोफाइटा और सिलेजिनेला। ओके, यहाँ पे आप याद रख लेना स्टार शेप है ना एक्टिनो, तो एक्टिव सर, एक्टिव सर इतना याद रखना कि तीनों में लाइकोपोडियम है, हम तीनों में लाइकोपोडियम लिख रहे हैं। तो तुम और सिलोटम भी यहाँ होता है, एक और एग्जाम्पल होता है सिलोटम, ठीक है, क्या होता है सिलोटम। तो तुम ऐसे याद रख लेना एक्टिव सर मतलब एक्टिनो, एक्टिनो स्टील में सिरेटम क्या हो जाएगा, एक्टिनो स्टील में क्या हो जाएगा, सिरेटम हो जाएगा, लाइकोपोडियम सिरेटम। प्लेक्टो को जाइलम कैसा होता है, प्लेट लाइक होता है, प्लेट लाइक का एग्जाम्पल क्या है, क्लेवेटम और वॉल्यूबाइल। तो इसको तुम ऐसे याद रखना कल वाला प्लेट दो, कल वाला प्लेट दो, कल वाला प्लेट दो, ठीक है, कल से क्लेवेटम लाइकोपोडियम क्लेवेटम, वाला से लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल, प्लेट से प्लेक्टो स्टील। तो कल वाला प्लेट दो से याद रख सकते हो आप कि ये है किसका, प्लेक्टो स्टील का। नेक्स्ट है मिक्स्ड प्रोटो स्टील, तो ये क्या हो गया मिक्स्ड का सरनम, आराम से याद कर सकते हो मिक्स्ड का क्या है सरनम, लाइकोपोडियम सरनम। तो एक हो गया आपका जो है लाइकोपोडियम, जो सिरेटम है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है आपका दैट इज द एक्टिनो स्टील। प्लेक्टो स्टील को याद रखोगे कल वाला प्लेट दो, और लास्ट में है मिक्स्ड दैट इज द लाइकोपोडियम सरनम। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटो स्टील। सो व्हाट इज द प्रोटो स्टील, प्रोटो स्टील का मतलब है जिसमें स्टील, ऐसा स्टील जिसमें मेड्यूला एब्सेंट हो उसको हम प्रोटो स्टील कहते हैं। इज इट क्लियर, चलो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है साइफोनो स्टील। जरा ध्यान से देखना, यहां से यही क्वेश्चन पूछा गया था, साइफोनो स्टील मैंने कहा था इसको हम क्या कहेंगे, मेड्यूलेटेड स्टील, मतलब जिसमें मेड्यूला हो, जिसमें मेड्यूला प्रेजेंट हो उसी को कहेंगे हम साइफोनो स्टील, जहां पे मेड्यूला प्रेजेंट हो उसको हम कहेंगे साइफोनो स्टील। ठीक है, अब ये साइफोनो स्टील दो तरीके का होता है, जरा ध्यान से देखना। एक ऐसा साइफोनो स्टील होता है जहां पे लीफ ट्रेसेस एब्सेंट होते हैं, लीफ ट्रेसेस या लीफ गैप्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, और अगर लीफ गैप प्रेजेंट है, ध्यान से समझना, लीफ गैप प्रेजेंट है तो दो तरीके का है ये। देखो अगर लीफ ट्रेसेस एब्सेंट हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्लैडोसिफोनस, क्या नाम देते हैं क्लैडोसिफोनस, ठीक है, क्लैडोसिफोनो स्टील, क्लैडोसाइफोनो स्टील। तो याद रखना क्लैडोसाइफोनो स्टील का मतलब जहां पे लीफ गैप जो है वो एब्सेंट है, और अगर लीफ गैप प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं फिल्लोसाइफोनो स्टील। फिल्लो का मतलब ही होता है लीफ, फिल्लोसाइफोनो स्टील, लीफ गैप क्या है प्रेजेंट है। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, अभी हम आ जाते हैं फिल्लोसाइफोनो स्टील में, किसमें, फिल्लोसाइफोनो स्टील। फिल्लोसाइफोनो स्टील में भी दो, ये दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टोफ्लोइक, ठीक है, एक्टोफ्लोइक, और दूसरा होता है एम्फीफ्लोइक। प्लीज ध्यान देना, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक पूछा जा चुका है एग्जाम में, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। जरा इसको देखते हैं हम लोग, एक्टोफ्लोइक का मतलब क्या है, प्लीज इसको अटेंटिव होके देखना है, एकदम अटेंटिव होके देखना है। एक्टोफ्लोइक का मतलब ये होता है कि देखो यहाँ पे देखो मेड्यूला है ना, साइफोनोस्टील का मतलब पहले क्या होगा, मेड्यूला होगा, तो दिस इज द मेड्यूला, ठीक है, ये क्या हो गया मेड्यूला हो गया। उसके बाद होगा आपका जाइलम, ठीक है, क्या होगा जाइलम, ठीक है, तो उसके बाद जाइलम, और उसके बाद होगा फ्लोयम, उसके बाद क्या होगा फ्लोयम, फिर आपका पेरिसाइकिल व्हाटएवर थिंग, ठीक है,
एक्टोफ्लोइक का मतलब फ्लोएम आउटसाइड, फ्लोएम कहाँ है यहाँ पे, आउटसाइड, अगर फ्लोएम बाहर है तो इसको हम कहेंगे एक्टोफ्लोइक, ठीक है, फ्लोएम बाहर है तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्टोफ्लोइक। ओके, एम्फीफ्लोइक का मतलब है, एम्फीफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक का मतलब फ्लोएम दोनों तरफ हो, फ्लोएम बोथ साइड ऑफ जाइलम, ठीक है ना, बोथ साइड ऑफ जाइलम मतलब आउटर भी फ्लोएम हो इनर भी फ्लोएम हो, तो क्या होगा, पहले मेड्यूला होगा, ठीक है, पहले मेड्यूला होगा, फिर जाइलम के अंदर भी फ्लोएम होगा, ठीक है, फ्लोएम दोनों तरफ होगा, तो फिर एक फ्लोएम होगा, फिर उसके बाद जाइलम होगा, फिर जाइलम होगा, फिर एक फ्लोएम होगा, तो फ्लोएम एक आउटर फ्लोएम हो गया, देखो ये आउटर फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, ये इनर फ्लोएम हो गया और ये मेड्यूला हो गया, तो अगर फ्लोएम जाइलम के दोनों तरफ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द एम्फीफ्लोइक। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग जरा देख लेते हैं, इसका एक्टो का एग्जाम्पल देखो ऐसे है, इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम, तो आप तो ऐसे ही याद कर सकते हो, सॉरी इक्विसिटम जिसको हॉर्स टेल कहते हो, आप क्या कहते हो, हॉर्स टेल कहते हो। एक चीज और याद रखना, एक ऐसा प्लांट है जहां से गोल्ड ऑब्टेन किया जाता है, इस प्लांट में से गोल्ड के ट्रेसेस ऑब्टेन किए जाते हैं, तो इक्विसिटम, ई फॉर इक्विसिटम, ई फॉर एक्टोफ्लोइक, ठीक है। और इसका एक और एग्जाम्पल है, दैट इज द ऑस्मुंडा, शायद इसका एग्जाम्पल है, और क्या है, ऑस्मुंडा है, ठीक है, ऑस्मुंडा, ये याद रखना, तो ई फॉर इक्विसिटम, ई फॉर एक्टोफ्लोइक। अच्छा, एम्फीफ्लोइक को आप ऐसे याद रख लेना, आई एम, ठीक है ना, आई एम मैड, आई एम मैड, ठीक है, आई एम, एम मतलब एम्फीफ्लोइक, म का मतलब हो गया मैड, मार्सिलिया हो गया, ठीक है, मार्सिलिया, ए का मतलब हो गया एडियंसम, ठीक है, एडियंसम, और डी का मतलब हो गया ड्रायोप्टेरिस, क्या हो गया, ड्रायोप्टेरिस, तो मार्सिलिया, मार्सिलिया, एडियंसम और ड्रायोप्टेरिस, तो हमने क्या, आई एम मैड, सॉरी मैड, मैड डी नहीं, डी ड्रायोप्टेरिस नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी मार्सिलिया, और एडी से हो गया एडियंसम, एडी से क्या हो गया, एडियंसम, ड्रायोप्टेरिस दूसरा होगा, तो ये हो गया हमारा साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील का मतलब ये है कि जो लीफ गैप नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, अगर लीफ गैप नहीं है तो उसको हम क्लैडोसिफोनस कहेंगे, सिफोनोस्टील कहेंगे, लीफ गैप है तो उसको हम फिल्लो कहेंगे, उसमें भी दो है, एक्टो और एम्फी। एक्टोफ्लोइक का मतलब फ्लोएम बाहर होगा, एम्फी का मतलब जाइलम के दोनों तरफ, एम्फी मतलब बोथ होता है, तो ये सब मैंने एग्जाम्पल बता दी। चलो अब थर्ड हम लोगों को देखना था, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड सिफोनोस्टील, जो सिफोनोस्टील है ना वो मॉडिफाई सिफोनोस्टील भी होता है, सिफोनोस्टील। अब यहाँ पे दो तीन तरीके के ये होते हैं, इसको हम यहीं पे देख लेते हैं, तीन तरीके में पहला होता है सोलेनोस्टील, देखो ये आया था टीजीटी 2021 में, ठीक है, ये आया था क्वेश्चन सोलेनोस्टील। दूसरा है डिक्टियोस्टील, क्या है, डिक्टियोस्टील, और तीसरा है पॉलीसाइक्लिक स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील। तो क्या है, सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील और पॉलीसाइक्लिक स्टील, यहां तक समझ में आ गया है, तो चलिए इसको जरा हम लोग देख लेते हैं, सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील और पॉलीसाइक्लिक स्टील। सोलेनोस्टील का मतलब होता है, देखो लीफ गैप होगा लेकिन वो नॉन ओवरलैपिंग होगा, कैसा होगा, नॉन ओवरलैपिंग, देखिए लीफ गैप प्रेजेंट है लेकिन वो कैसा होगा, नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप होंगे, तो उसको हम कहेंगे सोलेनोस्टील। ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट यहाँ से आया था, और इसके एग्जांपल हैं कुछ फर्न होते हैं, जैसे सम फर्न्स होते हैं, ठीक है, फर्न्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट ही देके पूछता है, लीफ गैप कैसा है, नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है। चलो डिक्टियोस्टील को देखते हैं, ओवरलैपिंग लीफ गैप है, ठीक है, ओवरलैपिंग लीफ गैप्स हैं,
लीफ गैप्स अगर ओपर ओवरलैपिंग है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिक्टियोस्टील कहेंगे। और एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो यहाँ पे हमने, और यहाँ पे एक और ख़ास बात होती है, जो वस्कुलर बंडल होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए वस्कुलर बंडल होते हैं, जैसे ऐसे देखो, एक दो तीन ऐसे ऐसे करके बिखरे हुए वस्कुलर बंडल होते हैं। तो वस्कुलर बंडल अगर स्कैटर्ड है, वस्कुलर बंडल अगर स्कैटर्ड है तो इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देखो वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है और लीफ गैप ओवरलैपिंग है तो इसको हम कहते हैं डिक्टियोस्टील, ठीक है, डिक्टियोस्टील। और एक बात आप हमेशा याद रखना, एक सिंगल वस्कुलर बंडल को, जो फ्रेगमेंटेड वस्कुलर बंडल तमाम है ना, एक सिंगल वस्कुलर बंडल को कहते हैं मेरिस्टील। क्या नाम देते हैं? मेरिस्टील। तो मेरिस्टील कुछ नहीं भाई, मेरिस्टील सिंगल वस्कुलर बंडल को मेरिस्टील कहेंगे, मतलब इसमें जितने भी ये हैं एक 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 सब, ये सब क्या दिख रहे हैं? मेरिस्टील। अच्छा, इसका एग्जांपल आप कैसे याद रखोगे? डाइपॉड से याद रखोगे। ट्राइपॉड तो पढ़ते हो आप लोग, ट्राइपॉड जानते हो ना, जिसपे वो वीडियो शूट करते हैं कैमरा लगा के, ट्राइपॉड होता है, लेकिन आप इसको डाइपॉड से याद रखोगे। डाइपॉड का मतलब है, डाई से तो हो गया डिक्टियोस्टील, डिक्टियोस्टील हो गया, ठीक है। पी ओ डी, देखो पी ओ डी, पहले हम डी देख लेते हैं, ये है हमारा ड्रायोप्टेरिस। क्या है? ड्रायोप्टेरिस। ये है हमारा टेरिस, ओके, और ये है हमारा ओफियोग्लास, ठीक है ना, ओफियोग्लासस। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, डाइपॉड। और आखिरी है हमारा, आखिरी है पॉलीसाइक्लिक स्टील। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरिस्टील, मेरिस्टील क्या है? ये है ना मेरिस्टील, यहाँ एक ही लेयर में दिख रही है आपको, एक ही लेयर में मेरिस्टील है। इफ मेरिस्टील, अगर मेरिस्टील जो है मोर देन टू लेयर्स में हो, या मोर देन वन लेयर कह सकते हो, मोर देन वन लेयर में हो, क्या कर दिया, मोर देन वन लेयर में हो, तो उसी को हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक। जैसे देखो, एक लेयर मेरिस्टील की ये हो गई, ठीक है, मेरिस्टील की एक लेयर ये हो गई आउटर मेरिस्टील, अंदर भी एक लेयर हो मेरिस्टील की, ठीक है। तो अगर मेरिस्टील एक से ज़्यादा लेयर में हो तो उसी को हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक। और इसका एग्जांपल है, लास्ट में देख लेना, इसका एग्जांपल है टेरिडियम। क्या है? टेरिडियम। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा। लेक्चर लंबा हो गया क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 से 3 मिलने ही जा रहे हैं। अगर मैं यही रिकॉर्ड पहले से मतलब नोट करके पढ़ाती तो बहुत आसानी से 10 से 12 मिनट में ख़त्म हो जाता। तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरा का पूरा एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्टीलर सिस्टम, स्टील क्या है? एंडोडर्मिस के अंदर सब कुछ स्टील होता है, ठीक है, एवरीथिंग। स्टील की सबसे फर्स्ट लेयर होती है पेरिसाइकिल, फिर मतलब वस्कुलर बंडल, पिथ और पिथरेज, ये सब आ जाते हैं स्टील में। दूसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि स्टील 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा, यहाँ पे देखो, एक होता है प्रोटो स्टील, दूसरा होता है साइफोनो स्टील, और तीसरा होता है मॉडिफाइड साइफोनो स्टील। प्रोटो स्टील का मतलब जहाँ पे मेड्यूला नहीं है, साइफोनो स्टील का मतलब जहाँ पे मेड्यूला है, और तीसरा है मॉडिफाइड साइफोनो स्टील, वो मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे प्रोटो स्टील की सबसे खास बात है, जाइलम हमेशा सेंटर में होगा, फ्लोएम उसको सराउंड किए रहेगा। जैसे कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, हेप्लो एक्टिनो प्लेक्टो और मिक्स, जरा इसको ध्यान से देखना। हेप्लो का मतलब ये सबसे पुराना है, फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स वगैरह में पाया जाता है, जैसे राइनिया है, हॉर्नियोफाइटॉन है, सिलेजनेला है। जाइलम रिंग लाइक होगा और फ्लोएम उसको सराउंड किए रहेगा, ठीक है। एक्टिनो का मतलब यहाँ पे ये स्टार शेप होगा जाइलम, और फ्लोएम उसको सराउंड किए रहेगा। इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम सिरेटम और सिलोटम। मैंने कहा था इसको आप ऐसे याद रखना, एक्टिव सर, एक्टिव सर, ठीक है। तो सर से सरनम, सिरेटम हो गया और एक्टिव हो गया। प्लेक्टो का मतलब है जाइलम प्लेट लाइक होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है क्लेवेटम और वॉल्यूबाइल, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियल लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल, कल वाला प्लेट दो, कल क्लेवेटम वाला वॉल्यूबाइल प्लेट, ठीक है ना। और लास्ट है मिक्स्ड प्रोटोस्टील, जिसमें जाइलम स्केटर्ड होता है, लाइकोपोडियम सरनम। तो यहां तक हो गया। चलिए अब हम देखते हैं ये वाला साइफोनोस्टील क्या है भाई। देखो साइफोनोस्टील का मतलब यहाँ पे मेड्यूला होगा, पिथ प्रेजेंट होगा। तो 2 कंडीशन हो सकती है, लीफ गैप हो भी नहीं भी हो। तो लीफ गैप अगर नहीं है तो इसको हम क्लैडोसिफोनस कहते हैं, लीफ गैप प्रेजेंट है तो इसको हम फिल्लोसिफोनोस्टील कहते हैं।
फिलो में भी दो कंडीशन हमने बताया, एक्टोफ्लोइक एम्फीफ्लोइक। एक्टो का मतलब अगर फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, और अंदर सबसे अंदर तो मेड्यूला होगा क्योंकि यहाँ पे मेड्यूला प्रेजेंट होगा। तो एक्टो से इक्विसिटम याद रख लेना, इक्विसिटम और ऑस्मुंडा, ठीक है। एम्फीफ्लोइक का मतलब फ्लोएम जाइलम के बाहर भी हो अंदर भी हो। तो देखिए यहाँ पे आई एम मैड से याद रख लेना, एम्फीफ्लो एम का मतलब एम्फीफ्लोइक, मैड मार्सीलिया, और एडी से हो जाएगा आपका एडियंसम, ठीक है ना। और सबसे आखिरी हमने मॉडिफाइड मॉडिफाइड सिफोनोस्टील बताया, इसमें ये सवाल आया था सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील। सोलेनो का मतलब लीफ गैप नॉन ओवरलैपिंग हो, इसके कुछ फर्म्स हैं। डिक्टियो का मतलब लीफ गैप ओवरलैपिंग हो और वस्कुलर बंडल स्केटर्ड होता है, और हर एक वस्कुलर बंडल को मेरी स्टील कहते हैं। इसको मैंने डाईपॉड से याद रखने को कहा है, डाई मतलब डिक्टियो स्टील, पॉड मतलब पी मतलब टेरिस, ओ मतलब ऑफियोग्लासेस, और इसके बाद डी मतलब ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। और अगर मेरी स्टील एक से ज़्यादा लेयर में है तो इसको हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील, और इसका एग्जांपल है टेरिडियम। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और किस पॉइंट पे आप वीडियो पढ़ना चाहते हैं, हाँ जो आपका 25 से जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है उसे प्लीज़ ज्वाइन करिए। एक परफेक्ट जो प्रिपरेशन है उसे कराने की मैं कोशिश करूँगी, और अच्छे नोट्स, अच्छे तरीके के जो नॉलेज है, मतलब विदाउट एनी कन्फ्यूजन एवरी पॉइंट विल बी क्लियर, ठीक है ना। हर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करा दूंगी। तो आप इस बैच को ज्वाइन करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। जिन लोगों को आगे के लिए PGT JIC के लिए भी प्रिपरेशन करनी है वो लोग भी बैच को ज्वाइन करने की कोशिश करें। उनके लिए PGT वाला का बैच अलग होगा, JIC वालों का अलग होगा, और PGT का अलग होगा। अलग इन द सेंस कि मतलब जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं PGT में वो एक्स्ट्रा डाली जाएंगी PGT वाले स्टूडेंट्स के लिए, JIC वाले स्टूडेंट्स के लिए। JIC वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डीप पढ़ना होता है, मैं वो भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनको स्टडी कराऊँ। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, और मैं अपने अगले वीडियो में मैं आप लोगों को और भी अच्छी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं मैं उसको मैं डाल अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए आप जो है आराम से पढ़ाई करिए, और हो सकता है, मैंने कहा है कि मैं कल लाइव आऊँगी 8 बजे, तो मैं पूरा एनिमल किंगडम ख़त्म करके ही दम लूँगी। नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट सब कुछ, जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको मैं कवर करूँगी।